कोई तीज त्योहार हो, शादी पार्टी हो, हम लेडीज इतने सारे काम में बिजी हो जाते हैं कि अपने लिए, अपने स्किन केयर के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। जब हम तैयार होने बैठते हैं, मेकअप लगाते हैं, कपड़े ज्वेलरी सब पहन लेते हैं, तो लगता है यार चेहरे पे वो रौनक नहीं है। बिकॉज अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो ही मेकअप भी अच्छा लगता है। आपने कई लोगों को देखा होगा खूब सारा मेकअप लगाते हैं, महंगा मेकअप चूज करते हैं, लेकिन फिर भी चेहरा उनका बुझा बुझा सा लगता है, होता है ना। देखिए फर्क सिर्फ स्किन केयर का होता है। अगर आप रेगुलर में थोड़ा थोड़ा अपना स्किन केयर करते रहते हो ना, तो ये नौबत आने नहीं पाती है। थोड़े से मेकअप के बाद भी आपका चेहरा खिल जाता है, लेकिन ऐन वक्त पे जब आपके चेहरे पे कोई रौनक नहीं है, तब ऐसा क्या करें कि इंस्टेंटली आपके फेस पे चमक आ सके। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा ही इंस्टेंट नुस्खा शेयर करने वाली हूँ। आपको अप्लाई करना है, जैसे ही आप इसको रिमूव करोगे आपके फेस पे 100% ग्लो तो आएगा ही, साथ ही आपकी स्किन भी वाइटल लगेगी, बिकॉज मैंने इसमें ऐसे ही इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, चलिए देख लेते हैं रेमेडी क्या है, कैसे प्रिपेयर करनी है, देन इसको अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले ऑफिसली आपको एक साफ बोल लेना है। देन जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा वो है बेसन। सबके पास इजीली अवेलेबल है वही वाला बेसन जिससे हम कढ़ी बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, वो हमको 1 टेबल स्पून ले लेना है। ये आपकी स्किन में इंस्टेंट ग्लो लाता है। यूं ही नहीं, शादी ब्याह में आज भी इसका इस्तेमाल होता है, मीन्स इसका उबटन बना के लगाया जाता है। सदियों से हमारी कंट्री में स्किन केयर के लिए बेसन का इस्तेमाल होता रहा है। ये आपका रंग भी निखारता है, और साथ ही अगर आपके फेस पे पिंपल्स एक्ने बहुत ज़्यादा आते हैं, आप इसका रेगुलर में इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे वो भी रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ तकरीबन 1/2 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी। देखिए मेजरमेंट का आपको ध्यान रखना है, 1 टेबल स्पून बेसन में सिर्फ 1/2 टेबल स्पून हमको मुल्तानी मिट्टी ऐड करनी है। ये आपकी स्किन में इंस्टेंट ग्लो तो देती ही है। जब भी मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 1 से 2 टोन तक मेरा रंग निखर गया है। शायद आपके साथ भी, शायद नहीं, पक्का ही आपके साथ ऐसा होता होगा। इसको लगाने के बाद आपकी स्किन 1 से 2 टोन तक लाइटन फील होगी, करके देखिएगा। जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, हमारी स्किन में ड्राइनेस शुरू हो गई है, और मुल्तानी मिट्टी भी हमारी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देती है। तो हमको फेस पे भाई ड्राइनेस बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाली हूँ कोकोनट ऑयल का। देखिए अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हो, आपको ये सूट करता है तो ही लीजिएगा, नहीं तो आपके पास जो भी फेशियल ऑयल है जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो आप वो ले सकते हो। मैं ये ले रही हूँ तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। कोकोनट ऑयल स्किन को इंस्टेंट ग्लो तो देता ही है, डीप हाइड्रेशन देता है। रेगुलर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो फेस पे जो एजिंग साइन आने लगे हैं ना, वो धीरे धीरे रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक और मैजिकल इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करने वाली हूं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलोवेरा जेल की। अगर आप बहुत जल्दी में नहीं हो, मीन्स आपके पास 8-10 मिनट का टाइम है, तो आप प्लांट का एलोवेरा जेल निकाल लीजिएगा। भाई जो नेचुरल होता वो तो नेचुरल होता ही है, इसमें कितना भी बढ़िया कुछ भी अच्छा एलोवेरा जेल रख दे, लेकिन प्रिजर्वेटिव तो होता है, यानी केमिकल का इस्तेमाल तो हुआ ही है, लेकिन ये इंस्टेंटली काम करता है। दूसरी बात, ये सबको सूट कर जाता है। प्लांट का एलोवेरा जेल कई लोगों को सूट नहीं करता है, इसीलिए मैं ज्यादातर इसी का इस्तेमाल करती हूं। तो ये हमको तकरीबन 1 टेबल स्पून ले लेना है। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को हाइड्रेट तो करता ही है, साथ ही साथ स्किन को एकदम से चमका देता है। फेस अगर आपका बहुत ज़्यादा ड्राई है, ड्राई पैचेस बने हुए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूखापन लग रहा है, एलोवेरा एक बार में उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। ये आपकी एजिंग पे भी काम करता है, साथ ही साथ अगर आपकी स्किन पे टैनिंग बहुत ज़्यादा है, धूप में निकल निकल के आपने अपनी स्किन को काला कर लिया है, उस प्रॉब्लम को भी ये धीरे धीरे क्योर कर देता है। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए आपको दही का इस्तेमाल करना है। देखिए अभी मेरे पास दही है नहीं, ठंडी शुरू हो गई है, हमारे घर दही आना बिल्कुल बंद हो गया है, लेकिन अगर आपके पास दही है तो आप उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। एकदम से स्किन में ग्लो ले आता है, हाइड्रेट कर देता है आपकी स्किन को। लेकिन नहीं है तो ऑप्शन के तौर पे आप कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कच्चा दूध भी नहीं है तो बॉइल्ड मिल्क ले लीजिए, लेकिन ठंडा होना चाहिए, गर्म दूध का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। ओके, दूध आपको उतना ऐड करना है कि हमारा ये बढ़िया सा पेस्ट बन के हो जाए तैयार। दूध का काम होता है आपकी स्किन की डीप क्लींजिंग करना, आपका रंग भी निखारता है, बेबी सॉफ्ट आपकी स्किन को बना देता है, और ज्यादातर लोगों को ये सूट कर जाता है। देन इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए रेमेडी तो बन गई है, लेकिन इसको लगाने का तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा।
तो जी हमारा ये पैक बनके तैयार हो गया है। लगाना कैसे है तो ऑफिसली फेस को आप अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिएगा। मैं कोई एक्स्ट्रा तामझाम नहीं बता रही हूँ, सिंपल जो फेस वॉश आप इस्तेमाल करते हो उसी के इस्तेमाल से आपको अपनी स्किन बिल्कुल क्लीन कर लेनी है। मेकअप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मेरा फेस देख ले रहे हो, मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई है और आंखों पर थोड़ा सा काजल। मेरी स्किन एकदम क्लीन है, कोई बेस नहीं है। ओके, देन इसको फेस पे अच्छी तरह से कर लेना है अप्लाई, इस तरह से मीन्स हल्का सा रब करते हुए, ताकि फेस पे जो डेड सेल्स है ना वो भी निकल जाए। याद रखिएगा, अगर इनमें से कोई इंग्रेडिएंट आपको सूट नहीं करता है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। बैक फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है, मोटी लेयर लगा लेनी है। अगर आपकी नेक पे बहुत ज्यादा कालापन है या हाथ पैर पे बहुत ज्यादा कालापन दिख रहा है तो आप इसको एज अ उपटन पूरी बॉडी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन करना क्या है, हल्के हाथों से मसाज देना है। 4 से 5 मिनट मसाज दे देंगे तो भाई आपकी स्किन तो देखते बनेगी, इतना बढ़िया ग्लो आएगा। लेकिन अगर इतना टाइम आपके पास नहीं है, बहुत जल्दी में हो, तो भी कम से कम 2 से 3 मिनट का मसाज आपको जरूर देना है। हल्के हाथों से दीजिएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, सर्कुलर मोशन में देना है, या फिर आउटवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ आपको मसाज नहीं देना है। और जब आप मसाज दोगे ना तो हमने जो इसमें इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं उनकी गुडनेस पोर्स के जरिए स्किन के अंदर जाएगी, जिससे आपकी स्किन अंदर से रिपेयर होगी और फेस पे इंस्टेंट ग्लो देखने को मिलेगा। ये पैक अगर आप रेगुलर में लगाना चाहते हो तो मैं आपसे कहूंगी वीक में कम से कम 3 बार इसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। फेस पे जो दाग धब्बे बने हुए हैं, डलनेस छाई हुई है, या फिर आपके फेस पे पिगमेंटेशन यानी झाइयों जैसी प्रॉब्लम है, वो भी रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप पिंपल सेकने से परेशान है फिर तो आपके लिए पैक रामबाण की तरह काम करता है। देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको टाइम देके अच्छी तरह से थोड़ा सा मसाज दे देना है। देन मैं आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं। मीन्स एक बार में, मैंने ज्यादा देर मसाज दिया नहीं है, मुश्किल से 1 या 2 मिनट ही दिया है और आप स्किन का ग्लो देख सकते हो। मीन्स क्या कमाल का ग्लो आया है। फ्रेंड्स फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद स्किन को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर आप जो भी मेकअप लगाओगे, जैसा भी मेकअप लगाओगे, आपकी स्किन एकदम से खिल के आने वाली है। जहां भी जाओगे आप, लोग आपको नोटिस करेंगे। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।